समाजवादी पार्टी है उसका MY समीकरण चलता है, मुस्लिम यादव का समीकरण चलता है। जनता को भी ऐसा ही सांसद चाहिए जो 300 दिन यहाँ रह के काम करता है। सिर्फ चुनाव में 3 दिन के लिए आने वाला नेता यहाँ आजमगढ़ को नहीं चाहिए। तो 500 करोड़ का काम हम लोग आजमगढ़ में 1.5 साल में लेके आए हैं। आजमगढ़ में वो सारी चीज़ें बन रही है जो आजमगढ़ को चाहिए थी। आजमगढ़ रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ नई रेल लाइन बन रही है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जितनी सड़कें हैं आपके आजमगढ़ की सारी बन गई हैं। देखिए कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा, आजमगढ़ में वो सभी बड़े काम होंगे जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तो 1.5 साल था, 5 साल के लिए जब हम लोग आएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। सर जी, 2022 चुनाव के बाद इस बार कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको? चैलेंज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने देखा है कि हम लोगों ने 1.5 साल का जो मौका मांगा था वो जब जनता ने अवसर दिया तो हम लोगों ने यहाँ काम किया है और खूब अच्छे से काम किया है, यहाँ रह के काम किया है। तो जनता को भी ऐसा ही सांसद चाहिए जो 300 दिन यहाँ रह के काम करता है। सिर्फ चुनाव में 3 दिन के लिए आने वाला नेता यहाँ आजमगढ़ को नहीं चाहिए, तो 30 दिन वाला नेता ही आजमगढ़ में चलेगा। सर, बीती रात मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है, लेकिन परिवार वालों का कहना है कि उनको जहर दिया जा रहा था, समय पे इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हुई है, बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? अगर कोई आरोप किसी पे लगता है तो उसकी जांच होती है, जांच होगी, जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। इसके पहले मुख्तार अंसारी सुबह उनके भाई से बोले थे कि थोड़ा सा जहर दिया जा रहा है, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनके भाई भी कह रहे हैं उसका खतरा है, तो उस पर जाँच होगी तो उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा अगर कोई होगा तो जांच से ही पता चलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा कि उनके शरीर में जहर था या उनको कैसे मृत्यु हुई, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही पता चलेगा उसका। 1.5 साल में आपने जो विकास किया है और आप क्षेत्र में जा भी रहे हैं, क्या कुछ माहौल सामने आ रहा है? बहुत अच्छा माहौल है और जनता खुश है। जनता ने देखा है कि सरकार के साथ रहने से कितना फायदा हुआ है आजमगढ़ को। जहाँ पहले के सांसद यहाँ अपने निधि तक का काम नहीं करा पाते थे, 5 करोड़ का काम नहीं करा पाते थे, वहाँ 500 करोड़ का काम हम लोग आजमगढ़ में 1.5 साल में लेके आए हैं। आजमगढ़ में वो सारी चीज़ें बन रही है जो आजमगढ़ को चाहिए थी। आजमगढ़ रिंग रोड बन रहा है, आजमगढ़ नई रेल लाइन बन रही है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, हमारा जो विश्वविद्यालय वो बन के तैयार हो चुका है, संगीत विद्यालय बन रहा है, बेलैसा का आपका ब्रिज बन रहा है, जितनी सड़कें हैं आपके आजमगढ़ की सारी बन गई हैं। तो ये 1.5 साल में इतना काम हुआ है कि जनता समझ गई है कि हमको भी जब नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं तो उनके साथ जाने में ही लाभ है और आजमगढ़ के लाभ में ही हमारा सबका लाभ है। पिछली बार सर ज़्यादा वोटों का अंतराल नहीं रहा है, लोगों का कहना था, लोगों का ये कहना, हम भी घूमकर लोगों का सर्वे करते रहते, लोगों का कहना है एक बार हम देखना चाहते थे कि जो बड़े बड़े वादे करते थे कितना उसमें दम है और कितना काम करते हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काम नहीं हो पाया है, लोगों के बीच में कमी आते नहीं है। बहुत काम हुआ है और मुझे लगता है कि इसके पहले कोई इतना काम नहीं किया होगा जितना 1.5 साल में हम लोगों ने किया है। और इस बात से लेके जनता भी खुश है और जनता भी चाहती है कि एक बार फिर से यहाँ कमल ही खिले और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आजमगढ़ भी उनके साथ ही रहे। एक बार मोदी सरकार फिर मोदी की गारंटी, इस बार 400 पर, तो आजमगढ़ के लोग कह रहे हैं कि दिनेश यादव जी चेहरा है या फिर मोदी के ही नाम वोट मांगेंगे? मुझे लगता है कि मोदी जी ने जितना काम किया है देश में और चाहे हमारे आजमगढ़ में, हर जगह जितना उनका काम है, उस काम के दम पे जो बाकी दल के लोग थे ना वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए, तो निश्चित रूप से सबसे बड़ा जो चेहरा हमारा है वो तो नरेंद्र मोदी जी ही हैं और नरेंद्र मोदी जी के काम से, उनकी नीतियों से, उनकी नीयत से ही प्रभावित होके आज जो बाकी दल के लोग हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। आपका एक बयान था सर कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ आना होगा, अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो
जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे हम अपनी पार्टी से कहेंगे कि हमें वहाँ का टिकट दिया जाए। तो अभी तो आपकी पार्टी ने आपको फिर वहीं से सांसद जी के लिए दिया टिकट, तो अगर अखिलेश यादव कहीं से लड़ेंगे तो क्या आप अपनी पार्टी से कहेंगे कि नहीं, वहाँ नहीं लड़ेंगे, भाग गए, उनको अगर दम होता तो आए होते। नहीं, आपने कहा था कि वो जहाँ से लड़ेंगे हमें टिकट दिया जाए वहाँ, तो टिकट मांगेंगे अपनी पार्टी से। आप चाहते हैं तो हम मांग लेंगे, पहले उनको लड़ाइए तो क्या लगता है, मैदान में आए पहले जी, क्या लगता है टिकट मिल जाएगा भाजपा से आपको? भैया मैदान में पहले आने तो दीजिए, जो आदमी मैदान में ही नहीं आप उससे खेलने के लिए। चैलेंजिंग ये है कि बीएसपी के नेता है सहारनपुर जुमाली, इस बार सपा के खाते में चले गए, तो इससे लगता है कुछ चैलेंजिंग आपको लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुड्डू जमाली तो चले गए पर जो उनके वोटर हैं वो सब भाजपा में आ गए। सर अब सिर्फ गुड्डू जमाली के जाने से कुछ नहीं। अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर कई बार आपने सवाल भी खड़ा किया था, परिवार क्या कहें? हाँ, मुझे लगता है कि जैसे आप सब लोग कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है उसका MY समीकरण चलता है, मुस्लिम यादव का समीकरण चलता है, तो अगर गाजीपुर में एक मुसलमान को टिकट दे सकते हैं तो फिर आजमगढ़ में एक यादव को क्यों नहीं दे सकते? क्यों अपने घर से ही भेजते हैं? क्या गलत बोला मैंने? परिवारवाद पे हमने एक सवाल किया था उनसे, तो बोले कि पहले अपने भाई को तो समझा लें, उनका भी परिवार है, उनके भी जलाल यादव कह रहे हैं। क्या समझाना क्या है? वही कि मतलब आपके भाई आपके साथ नहीं है, हमारा नहीं, ये लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है, आदमी जो जिसकी जो विचारधारा है वो उस पर चल सकता है। मेरे भैया की जो विचारधारा उस पर वो चल रहे हैं, मेरा जो है उस पर मैं चल रहा हूँ। अब सर अब की बार मुद्दा क्या रहेगा आप लोगों का? सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि आजमगढ़ में हम लोगों ने 1.5 साल में जो नींव रखी है विकास की, इसको और भव्य इमारत बनाना है। आप देखिए कि आजमगढ़ में महायोजना लागू नहीं थी, महायोजना हम लोगों ने लागू करवा लिया। अब जो है आप देखेंगे कि आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनेगा, आजमगढ़ में वो सभी बड़े काम होंगे जो बड़े बड़े शहरों में होते हैं। तो निश्चित रूप से अभी तो 1.5 साल था, 5 साल के लिए जब हम लोग आएंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे, और उसी के लिए हम जनता से फिर अपील कर रहे हैं कि एक बार फिर से हमको मौका दीजिए ताकि नरेंद्र मोदी जी के साथ रह के और आजमगढ़ का विकास हो। महंगाई के मुद्दे पर सरकार आई थी, सिलेंडर 400 रुपये था जब सरकार आई थी, आज 1200 रुपये से घटकर अभी 900 रुपये कुछ रुपये हुआ, पेपर जितने भी हुए लीक हो गए, ये जनता के आरोप हैं कि सरकार में अभी तक कोई निष्पक्ष भर्तियां नहीं हो पाई हैं, जितने भी पेपर हुए हैं वो लीक हो जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? पहली बार तो ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश किया कि जो लोग भी इसके आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, सजा दिया जाए। इसके पहले की जो सरकार थी वो भी हम देखे थे, परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट निकलने के बाद ऐसे दीवार से पर्चा उखाड़ के और अपना पर्चा साड़ देते थे, गुंडई करते थे। तो वो सरकार अगर आपको चाहिए तो आप उसकी वकालत करिए। सर देखिए, हमने सिलेंडर की बात की, वो समझ 400 से 450 था सिलेंडर के दाम। हाँ। आज वही पार्टी लोगों का कहना है कि पार्टी कह रही है कि जो सिलेंडर के दाम उस समय था, पार्टी वही मुद्दा उठाई है कि 400 पार अब की बार हमारी 400 गैस सिलेंडर पार कर दिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं वो बताइए, आप कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा सवाल है कि ये 400 पार जो नारा है आप लोगों का, ये उस सिलेंडर पे तो नहीं है? लोगों के सवाल है को सिलेंडर जब 400 साढ़े 400 था उसको बढ़ा के 1200 कीजिए, तो अच्छा कहीं इसको अभी 400 बोल रहे हैं 1200 ना कहें। आप अच्छा शब्दों का जाल बुन के आए हैं जी, पर निश्चिंत रहिए आप जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से देश के लिए काम किया है, देश की एक एक जनता को पता है प्रधानमंत्री जी ने कितना अच्छा काम किया है, देश को कितना मजबूत किया है, हर गांव हर शहर को कितना मजबूत किया है, उसी के दम पे हम लोग 400 पार करेंगे। बाकी आप लोग भी जोर लगाइए, आप लोग देखते हैं कहां तक आते हैं। सर आप ये